नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान साथियों, जो आप सबको मालूम है कि मैं 30 सितंबर को रिटायर हो गया हूं, और जो बहुत किसान भाइयों की समस्या थी मेरे से बात करने के लिए, अब मैं आप लोगों को अधिक समय दे सकता हूं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपका तुरंत उत्तर दूं। शनिवार और रविवार शाम का समय और सुबह का समय मैं अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। किसी भी कार्य में अनुशासन बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि इसी बीच मुझे कॉल करें और 5 दिन में आपकी सेवा। किसान भाइयों, काफी लोगों ने मेरे को लिखा है कि त्यागी सर, आपने जो घर पर अमरूद के पेड़ लगाए हैं उनका क्या हुआ, उनकी कटिंग का दिखाइए। तो आज मैं अपने घर पर खड़ा हूं और आपको एक बात बहुत खुशी से बताना चाहता हूं कि 15 फरवरी 2019 को हमारे 200 सब्सक्राइबर थे। जब मैंने वो अमरूद की कटिंग कब और कैसे करें वीडियो बनाई थी, जिसके 1,40,000 से भी ज्यादा व्यू हुए अभी तक, और वो अब तक की सबसे पॉपुलर वीडियो है। आज इस परिवार में 21,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। ये सब आप लोगों के प्यार और स्नेह के बिना पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज मैं ये साझा करना चाहूंगा कि अभी भी किसान भाई मेरे को लिखते हैं कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप अब बंद हो चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप पर 256 सदस्यों की लिमिट थी और उससे अधिक संख्या में नहीं बन सकते थे, और हमारे किसान अब लगभग 400 के आसपास हो रहे हैं। तो ये ग्रुप अब टेलीग्राम पर है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.amazingkisan.com पर जाइए और वहां पर टेलीग्राम से किस प्रकार जुड़ते हैं वो कार्य करिए और आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जहां लगभग इस समय 400 किसान एक दूसरे की सहायता करते हैं। आप जो भी सवाल करेंगे अधिक से अधिक आधे घंटे में आपको उसका जवाब मिलेगा। हो सकता है 5 मिनट में मिल जाए, हो सकता है 2 मिनट में, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये हुई दूसरी बात। आइए अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे अमरूद के पेड़ थे जिस पर हमने 15 फरवरी को कटिंग की थी, और फिर मैंने उसको 3 से 4 जून के बीच में कटिंग की। अब मैं उस पेड़ को दिखाता हूँ। इस पेड़ पर आइए चलते हैं। और पेड़ है जिस पर हमने पहली वीडियो बनाई थी, अमरूद की कटिंग कब और कैसे करें 15 फरवरी 2000। आप इसमें नीचे देखिए कि ये कितने पत्ते पड़े हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे ये देखिए, कल मैंने इसमें वो नीम की खली और जो मेरा वर्मी कंपोस्ट है वो मिलाकर मैंने डाला। मेरे पास वो बोन मील ख़त्म हो गया था जो मैंने बड़े खेत में लगा था, इसलिए मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाकर नीम की खली रात भर भिगोई और सुबह उसको अच्छी तरह मथ कर अपने वर्मी कंपोस्ट में वो डाला है, और अब इसे मैं पानी दूंगा। ये देखिए वो पेड़ है। अगर आपको मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि पहली कटिंग इसकी हमने यहाँ पर की थी, यहाँ की थी बीच में, और उससे ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 शाखाएं निकली थी। पहले ये सीधा पेड़ था। दूसरी कटिंग हमने ये की थी, ये हमारी जो उसकी थी फरवरी कटिंग, ये देखिए 1, 2 और ये 3 ये कटिंग की थी। और इसके बाद जो ये है हमारी तीसरी कटिंग थी इसकी, ये वाली देखिए तीसरी कटिंग थी। प्रत्येक कटिंग के बाद इसमें देखिए कितने खूबसूरत 3, 6 कितनी अच्छी। तो आप देखेंगे ये कैनोपी बन गई। किसान भाइयों, मेरे पास कुछ लोग भेजते हैं कि देखिए सर, हमने कटिंग सही की है या नहीं की है। आपको एक चीज का ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस डंडी को देखिए, ये डंडी देखिए, यहां से लेकर जहां से ये निकली है शाखा यहां तक, ये दूरी लगभग 1.5 फीट की है।
तो जब भी आप कटिंग करें तो ये ध्यान रखें जहां तक हो सके उसे 1.5 फीट तक सीमित रखें। इसका कारण यह है कि जितनी छोटी रखेंगे उतनी ही ये मोटी हो जाएगी। अभी देखिए आप कितनी मोटी हो जाएगी। यहां पर जो ये कटिंग की थी मैंने 3 या 4 जून को, ये वाली कटिंग, अब ये डंडी देखिए कितनी थी। मैं आपको एक शाखा दिखाता हूं, ये देखिए ये काफी बड़ी थी, ये मान लीजिए यहां से इस तरह थी। तो ये फिर मैंने 1 से 1.5 फीट में रख दी और इसको इस प्रकार काटा है। इसका कोई नियम नहीं है कि ये एक छत्रक या कैनोपी के रूप में। एक ये चीज और देखिए कि ये जो तना है इसका कितना मजबूत हो चुका है। अब देखिए अब ये भार सहने लायक है और अगले साल ये भरपूर मात्रा में हमारे को बहुत मीठे अमरूद देगा। इससे मैं बरसात वाले अमरूद लूंगा इस पेड़ से, जो घर पर हैं उनसे मैंने निश्चय किया है कि मैं इनसे बरसात वाले अमरूद लूंगा। अब इसकी जो नेक्स्ट है, जस्ट थोड़ी थोड़ी मैं कटिंग करूंगा इसकी फरवरी के पहले सप्ताह। किसान भाइयों, मैंने एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी किया है जो प्रयोग कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट भी मैं साझा करूंगा। आप इन 2 शाखाओं को ध्यान से देखिए, ये 2 शाखा है। ये कटिंग फरवरी जो जून में हुई थी, इसके बाद ये शाखाएं मैंने 2 छोड़ी और ये कटिंग अभी मैंने 4 या 5 दिन पहले, 7 रविवार को मैंने की थी ये कटिंग। ये दोनों देखिए, ये भी 1 फिट की मैंने छोड़ी है दोनों। इसके साथ जो ये छोटी वाली होती हैं इनको काट देना चाहिए आपको, इनको सकर बोलते हैं, इनको काट देना चाहिए क्योंकि ये बढ़ेंगी नहीं, अननेसेसरी जो है ना बिना मतलब के ये अपनी एनर्जी लेती रहती है। इन शाखाओं में एक ये शाखा और एक ये शाखा, प्रयोग के रूप में मैंने इनके पत्ते हटा दिए, जैसे कहते हैं ना पत्तियां ड्रॉप कर दो, तो मैंने इनके पत्ते हटा दिए हैं और मैं ये देखना चाहता हूं कि इन 2 शाखाओं में और बाकी शाखाओं में जो कल्ले निकलेंगे उसमें कितना अंतर होगा। क्या इस समय जो अक्टूबर के पहले महीने में हम कटिंग करते हैं, क्या उसमें हमें पत्ते ड्रॉप करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये प्रयोग हो रहा है और इसका समुचित जो भी इसका रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो मैं आपके सामने रखूँ। किसान भाइयों, एक बात बहुत ध्यान रखने की, ये जो कटिंग के समय मैंने बताए हैं ये सिर्फ 2 वर्ष के पौधे के लिए। एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि जब आप पौधा लगाते हैं, ज्यादातर लोग जून के अंत में या जुलाई के शुरू में लगाते हैं या अगस्त में लगाते हैं। पहला कार्य आपको 45 दिन के बाद ये देखना है कि क्या आपने ग्राफ्टिंग की पन्नी हटा दी है। पन्नी हटाइए, वो जुड़ चुकी होगी, अगर 1-2 पौधे में 10% में नहीं जुड़ती है तो उसको 60 दिन तक अवश्य हटा दो। दूसरा कार्य, 1-2 फीट की डंडी बनाइए, जमीन से 2 फीट की दूरी तक जो मुख्य शाखा हो उसको काट दीजिए। जब वो शाखा काट देंगे, जैसे यहां से हमने काटी थी, तो इस तरह चारों तरफ उसमें शाखाएं निकलेंगी। तीसरा काम ये कीजिए कि उसमें 1.5 फीट तक, 1.5 फीट तक जमीन से 1.5 फीट तक कोई भी शाखा नहीं छोड़नी है, जो भी निकलती है उनको काटते रहना है। इसका परिणाम ये होगा कि पौधा चारों तरफ ना फैलने की बजाय एक समुचित आकार लेता चला जाएगा, जिसे हम कैनोपी कहते हैं या छत्रक कहते हैं। छत्रक यानी छाते की तरह, देखिए चारों तरफ है, कितना अच्छा पौधा लग रहा है, ये स्वस्थ हो चुका है। किसान भाइयों, घर पर एक लिमिट है, अगर मेरे आप खेत के पेड़ देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा स्वस्थ। यहाँ पर थोड़ी सर्दियों में धूप की प्रॉब्लम रहती है तो ये उतना नहीं बढ़ पाता। मैंने देखिए, मैंने कुछ किसान भाई और कुछ बहनें मेरे को बहुत फोटो भेजती हैं कि सर हमारा अमरूद का पेड़ है ये लगा हुआ है, इस पर नहीं आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहा। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखिए, इस तने के 6 इंच कम से कम, इतने बड़े पेड़ के 6 से 7 इंच चारों तरफ ये इस तरह से मिट्टी लगा दीजिए, देखिए जैसे मैंने लगाई थी, तो लगा दीजिए ताकि पानी तने पर ना लगे। उसके बाद कम से कम जहां तक, उसके बाद कम से कम जहां तक ये छत्रक होता है यानी शाखाओं का फैलाव होता है, वहां तक आप इसको कच्ची मिट्टी रखिए। अब मेरे पास ये तो है नहीं कि मैं इस चौतरे पर इतनी बड़ी करूंगा, तो मैंने कम से कम 2 फीट की रखी है। उसको 4 इंच खोदना है,
जो कि वहाँ पर तन्ने जो पेड़ होता है उसकी द्वितीय शाखाएँ होती है, मेन शाखाएँ में है जो पौधे को भोजन देती है, उनको हर साल काटना पड़ता है। उसको 4 इंच मिट्टी हटाइए, फिर 2 इंच खोदिए, वहाँ पर खाद पानी दीजिए, मिट्टी वापस कर दीजिए और भरपूर पानी दीजिए और आपका पौधा बहुत अच्छा हो, जैसे मैं अभी दूंगा। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पेड़, तो ये है मेरा दूसरा पेड़। अब इसमें कमी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और अच्छाई क्या है वो बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए इसका कितना बढ़िया छतरक बना। ये जो डंडी थी इतनी बड़ी बड़ी थी, करीब मैंने 2-2 फीट की डंडियां काटी जो शाखाएं थी, और छोटी शाखाएं सब हटा दिए। फिर एक बार दिखाना चाहता हूं मैं, ये देखिए पहली कटिंग यहां पे की थी जो मैंने फरवरी में की थी, इस कटिंग के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 देखिए कितनी मोटी शाखाएं हो गई, ये शाखाएं निकली थी। दूसरी कटिंग मैंने ये की थी यहाँ पर, जो मैंने जून में की थी, ये देखिए ये वाली कटिंग है, लेकिन ये कटिंग है ना। उसके बाद अब जो कटिंग की है मैंने ये की है, क्योंकि ये 2 साल का हो गया है पेड़, बस ये अंतिम कटिंग है। अब अगले साल जब हम फरवरी में इसकी कटिंग करेंगे तो हम बरसात के अमरूद लेंगे। किसान भाइयों, सब लोग सर्दियों के अमरूद चाहते हैं, लेकिन मैं बरसात के क्यों चाहता हूँ इस पर मैं आपको साझा करना चाहूँगा। बहुत भाई और बहनें जिनके घर पर अमरूद हैं वो मेरे से कहते हैं, त्यागी सर हमारे अमरूद में कीड़े बहुत पड़ते हैं। तो मैं इस बार आपको ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके अमरूद में कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। संपूर्ण नहीं कह सकता, लेकिन हम कम से कम 95% इसमें सक्सेस होंगे, बशर्ते कि आप वे कार्य करेंगे जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा उसी तरह से आप कार्य करते चले जाएंगे, तो बिल्कुल कीड़े नहीं पड़ेंगे। क्योंकि सर्दी के अमरूद मैं अपने खेत में लूंगा, इन दोनों से मैं बरसात के अमरूद खाऊंगा और बिल्कुल उसी तरह से। इसमें जो सबसे बड़ी मेरे को कमी है, आप देखें कितना अच्छा तना हो चुका है, कितना खूबसूरत अच्छा मोटा। अब इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ है। यहां पर इसकी जगह कम है, ये देखिए, और जगह कम होने के कारण उस तरह से मैं खाद पानी नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पर मैं जो ये जगह है ये पक्की है और इसे बड़ा नहीं बना सकता, ये नीचे से खुदवाई हुई है। ये पौधा यहां मैंने क्यों लगाया था उसका भी मैं कारण बताऊं। किसान भाइयों ये देखिए, ये मैंने एक जगह बनाई हुई है पक्की, ये मेरा नींबू का पेड़ है जो खराब हो गया था, इसको मैं अलग बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं चिड़ियों के लिए दाना डालता हूँ, यहाँ पर पानी रखता हूँ। तो ये मेरा एक इच्छा थी कि ये 2 पेड़ ऐसे हों, जब ये अच्छे छतरक बन जाएंगे इन पे मैं छोटे छोटे घोंसले लगाऊँ, और सुबह आप देखेंगे तो इतनी चिड़ियाएँ आती हैं, जब मैं यहाँ पर चाय पीता हूँ सुबह बैठकर और यहाँ पर चिड़ियाएँ आती हैं तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है प्रकृति देख। तो ये अब इतना अच्छा, इस तरह से इतना बड़ा पौधा होगा यहाँ तक, इसमें अब की बार जो निकलेंगे इसमें जब मैं फरवरी में कटिंग करूंगा, इतने बड़े बड़ा हो चुका होगा और इतना ऊंचा हो चुका होगा और मुझे भरपूर फल देगा और चिड़ियाओं को एक गर्मियों में आश्रय देगा, वहां पर उन्हें पानी मिलेगा, दाना मिलेगा और मेरा मन प्रफुल्लित। किसान भाइयों, कटिंग करने के बाद ये ध्यान रखें कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डो मिश्रण, जो मेरी वेबसाइट पर अमरूद की बागवानी में जो भाग शायद 3 है या 4 है उसमें अच्छी तरह बताया गया, अगर आप बोर्डो मिश्रण न बना सकें तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 लीटर में 3 ग्राम मिलाकर उस पर कटिंग के बाद अवश्य स्प्रे कर दें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वेस्ट डिकम्पोजर 50% का घोल का भी उसके ऊपर छिड़क दें, ताकि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो। कटिंग करते समय अपने टूल को स्टरलाइज जरूर कर लीजिए, स्प्रिट लगाइए या पेट्रोल लगा लीजिए, कोई भी चीज़ लगाइए, अगर वो भी ना हो तो आफ्टर सेव तक थोड़ा सा लगा लीजिए और उसे, ताकि वो कीटाणु रहित होकर साफ सुथरा हो जाए। तो किसान भाइयों, ये था मेरे घर पर जो अमरूद है और मुझे इसकी कैनोपी, मेरे जो खेत में अमरूद है सबकी कैनोपी इस तरह से बना दी, बिल्कुल आपस में मिल चुके थे लेकिन मैंने उनको कटिंग कर फिर दूर कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि फरवरी में मुझे बहुत अच्छा पेड़ मिलेगा। किसान भाइयों, फिर बताना चाहूंगा, व्हाट्सएप पर अब ग्रुप नहीं, ये ग्रुप अब टेलीग्राम पर चला गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए और टेलीग्राम ग्रुप पर कैसे जुड़ते हैं वहां पर पूरी इसकी विधि बताइए। किसान भाइयों, amazingkisan.com पर एक किसानों की डायरेक्टरी है जिसमें लगभग
450 किसानों ने रजिस्टर किया गया। अगर आपने नहीं कराया तो अवश्य करा लीजिए, क्योंकि अब 1-2 महीने के बाद में, शायद जनवरी में पहले साल से ही मैं कुछ नई सेवाएं शुरू करूंगा, जिसमें जैसे ही मैं कुछ कार्य करूंगा या बताना चाहूंगा, उन किसानों को एक संदेश जाएगा SMS के थ्रू कि ये चीज आई है या आप इसका उत्तर दीजिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप करिए, उसमें रजिस्टर करिए, अमेजिंग किसान से जुड़िए, जो आप सीखते हैं उसे दूसरे की से साझा करें। हमारे नवरत्न हैं ग्रुप पर जो जैन साहब हैं, नावेद जी हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, और कुछ नए किसान हैं, उन्होंने भी प्रेरणा ली है, अब वो भी काफी उत्तर देने लगे हैं। एक बात अंतिम में आज और कहना चाहूंगा, किसान भाइयों, जब भी कोई आप पूछे, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट जरूर करिए, प्रयोग जरूर करिए। कोई नई दवाई का प्रयोग करते हुए आप उसे पहले कुछ पौधों पर रखें, कुछ पौधों पर, 10-15 दिन की बात है, अगर वो उन पर ठीक रहता है तो बाकी पौधों पर भी करें। एकदम किसी पर विश्वास मत करें, मेरे पर भी मत करें। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।